बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी, बहुत ही मजेदार, टेस्टी और प्रेशर कुकर में बनाएंगे। उसके लिए मैंने दो कप यानी के दही ले लिए और 500 ग्राम चिकन, गोल्डन किया हुआ प्याज जो मैंने सिखाया हुआ है ये 2 टेबलस्पून, सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद मैंने इसे हल्का सा पीस लिया, आलू बहारा 5 से 6 दाने हैं, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, जायफल और जलवत्री का पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 2 टीस्पून, टमाटो पेस्ट है, 1 टमाटर लेके उसकी पेस्ट बना लिया, ऑयल 1/2 कप और ये साबुत मसाले हैं, ये हम चावल जब बॉईल करेंगे तो उसमें हम डालेंगे। चावलों को मैंने 1 घंटा हो गया भिगो ये रखा हुआ है। 2 कप चावल ही है और 500 ग्राम चिकन बराबर मकदार में, यानी के हो गए 500 ग्राम चावल 500 ग्राम चिकन। चले अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 घंटा चिकन को मैरिनेट करके रखना है। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, बहुत ही आसान जबरदस्त बिरयानी। सबसे पहले दही में हम डालेंगे ये गोल्डन किया हुआ प्याज, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च, गरम मसाला, जायफल और जलवत्री, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी मैं इसमें नहीं डाल रही, हल्दी मैं बिरयानी में नहीं डालती, उसमें बहुत अजीब सा कलर आ जाता है बिरयानी का। और ये आलू बहारा, ये तो बिरयानी की जान है, इसके बगैर तो बिरयानी मजे की बनती ही नहीं। टमाटो पेस्ट इससे ज्यादा नहीं डालना, फिर वो पानी पानी ज्यादा हो जाएगा और बिरयानी भी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए तमाम अज्जा में मिक्स कर रही हूँ आपके सामने। ये जो मसाले हैं ये हम चावल बॉईल करेंगे फिर उसमें डालेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा ऊपर दम पे हमने देसी घी भी डालना है। ये तकरीबन 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, बोनलेस मैंने लिया, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। कच्चे गोश्त की बिरयानी बन रही है हमारे किचन में, आपने जरूर ट्राई करनी है और पूरी वीडियो देखनी है। ये देखिए इसको मैं मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए इधर किचन में ही पड़ा रहने दूंगी और हम कर लेंगे चावल बॉयल। बहुत आसान झटपट बन जाएगी, जब कोई मेहमान आए जल्दी से ये दम लगाएं और बकाया आप सालन वगैरह तैयार कर लें। इसको 30 मिनट मैंने रेस्ट देना है। चिकन मैरिनेट हो रहा है और पानी, ये देखिए पानी मैंने पकने के लिए रखा है, पानी बॉयल हो रहा है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून नमक डाल दिए और ये मसाले डालेंगे, जीरा नहीं डालेंगे, बाकी सारे खड़े मसाले जो साबुत गरम मसाले वगैरह होते हैं वो सारे मैंने डाल दूंगी, जीरा मैं दाल पे डालूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी ये भिगे हुए चावल जो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैंने भिगोए हुए हैं। सेला चावल नहीं है ये, मैं सेला चावल नहीं पकाती, ये बासमती चावल है और ये बहुत लंबे लंबे बनते हैं और इनका जायका भी मीठा होता है। इनमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सिरका डाल देंगे व्हाइट वाला। अब इनको बॉईल कर लेंगे, 1 कली चावल रखने हैं, इनके आधे पक जाए आधे कच्चे, ना पूरे कुक करने हैं ना कच्चे रहे। मैं आपके सामने आपको दिखा के ही इनको दम लगाऊंगी क्योंकि हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं तो इनमें कच्चे कच्चे चावल जाते हैं, प्रेशर कुकर में लगाएंगे, अगर हम फुल कुक करेंगे तो ये हलवा बन जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। बस जो जोश आएंगे तो मैं चावलों का पानी निकाल दूंगी। बकाया सारी पकाई इनकी प्रेशर कुकर में चिकन के साथ ही हो जाएगी।
ये देखिए चावलों को जोश आ रहे हैं और ये कितने आधे कच्चे हैं और आधे पक गए हैं। बिल्कुल ये अंदर इसके कनिया नजर आ रही हैं। चार कनी चावल अभी हैं और मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और इनका पानी मैं निकाल दूंगी, फिर मैं आपके सामने ही प्रेशर में दम लगाऊंगी। चावलों को मैंने निकाल लिया, अब प्रेशर कुकर मैंने ले लिया और इसमें सबसे नीचे मैं ये चिकन डाल दूंगी। सारा मसाला वगैरह सारा चिकन डाल के ये देखिए इसको अच्छी तरह मैं फैला रही हूँ। अब जो हाफ बॉयल किए हुए चावल है ये मैं इनके ऊपर इस तरह डाल रही हूँ। ये देखिए हाफ बॉयल है फिर भी इतने लंबे चावल हो गए हैं। अभी इन्होंने स्टीम में जाना है पकने, फिर और मजीद लंबे हो जाएंगे। ये चावल डाल दिए, अब मैं ब्राउन प्याज तली हुई प्याज डाल रही हूँ। सफेद जीरा, हरी मिर्च, लेमन के स्लाइस, थोड़ा सा ज्यादा रंग डालेंगे हम। ये ज़रदा रंग भी डाल दिए, अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। प्रेशर को करेंगे बंद, ज्यादा तेज चूल्हा हम नहीं करेंगे। इसको मैं 10 मिनट के लिए, जैसे 10 मिनट दम पे देते हैं, लेकिन मैं मीडियम हीट पे इसे दम दूंगी क्योंकि इसके चिकन कच्चा है गोश्त, तो इसको मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए मैं दम दूंगी। पहले 2 मिनट फुल हीट पे रखूंगी, फिर मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी तो 10 मिनट पूरे करूंगी। इसलिए फुल हीट करेंगे कि नीचे से चिकन पकना शुरू हो जाए, इसकी स्टीम भी उठना शुरू हो जाएगी और गोश्त भी गल जाएगा। चले अब 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या पोजिशन है। 10 मिनट हो गए और वेट मैंने हटा दिया, फुल स्टीम बनी हुई थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी है। अब मैं इसको एक साइड से इस तरह हल्के हल्के हाथ से इस तरह मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए ये गोश्त भी सारा पक गया है। ये मैं आपके सामने ही सारी कर रही हूँ। खिले खिले चावल बने हैं और चावलों की लंबाई माशाल्लाह देखें आप, और नीचे गोश्त भी गल गए। ये मैं सारी मिक्स कर रही हूँ आपके सामने ही। अभी मैं इसे प्रेशर में ही रहने दूंगी, तो प्लीज आप बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।